हेलो हेलो हेलो, और बताओ तुम लोग कैसे हो। तो ये क्लास 10th चैप्टर नंबर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट। ठीक, चलो इसको अब स्टार्ट करते हैं। तो जो क्वेश्चन दिया हुआ है, द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन अ सिलेंडर व्हेन अ वैक्यूम पंप रिमूव्स 1/4 ऑफ रिमेनिंग एयर इन द सिलेंडर एट अ टाइम। एक सिलेंडर दिया हुआ है जिसमें कि कुछ एयर है। मान लेते हैं ये एक सिलेंडर है और इसमें कुछ एयर दिया हुआ है। एक वैक्यूम पंप है जो कि इसका 1/4 पार्ट ऑफ एयर को रिमूव कर रहा है एट अ टाइम। ठीक, 1/4 पार्ट ऑफ एयर को एक टाइम पे ये चीज़ रिमूव कर रही है। तो अब इसमें ये बताना है कि ये जो नंबर्स आएंगे क्या वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में होंगे या नहीं। तो इसका जो सोल्यूशन होगा वो इस प्रकार से होगा। लेट अ सिलेंडर हैज 80 लीटर ऑफ एयर प्रेजेंट। मान लेते हैं एक जो सिलेंडर है उसमें 80 लीटर ऑफ एयर प्रेजेंट है। जो सिलेंडर है उसमें 80 लीटर ऑफ एयर प्रेजेंट है, 80 लीटर एयर प्रेजेंट है। ठीक, एज्यूम कर लेते हैं ये बात को। ठीक, अब उसके बाद उसमें क्या करना है हमको, 80 लीटर ऑफ एयर प्रेजेंट, टोटल जो वॉल्यूम होगा वो होगा 80 लीटर्स का। वो सिलेंडर जब भरा हुआ तो उसका जो टोटल वॉल्यूम हो जाएगा 80 लीटर इज इक्वल टू टोटल वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। ठीक, अब 1/4 ऑफ टोटल वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर को एयर जो प्रेजेंट है उसको वो रिमूव कर रहा है। तो 1/4 इंटू 80, इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे जब इसको डिवाइड करेंगे या फिर 80 को जब 1/4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका जो आंसर आएगा वो आएगा 20। इसका जो आंसर आ गया वो 20, यानी कि इस 80 लीटर में से वो 20 लीटर गैस को, 20 लीटर ऑफ एयर को रिमूव कर रहा है। 20 लीटर ऑफ एयर को वो रिमूव कर रहा है। अब इसका आगे सॉल्यूशन देखते हैं हम। 80 लीटर ऑफ एयर को रिमूव कर दिए तो इसका जो आंसर आएगा 60 लीटर्स। अब उसमें 1/4 ऑफ टोटल एयर को रिमूव करने के बाद 60 लीटर एयर उसमें बच गया। ठीक है, 60 लीटर ऑफ एयर रिमेनिंग। अब 60 लीटर का भी 1/4 रिमूव करेगा एट अ टाइम पे, तो 60 इंटू 1/4 इसका जब मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो इसका आंसर आएगा 15 लीटर्स। अब 60 माइनस 15 कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 45। ठीक है, आंसर आ गया 45, यानी कि इस टाइम उस सिलेंडर में 45 लीटर ऑफ गैस बची हुई है, 45 लीटर ऑफ एयर बची हुई है, फिर गैस बची हुई है। ओके, अब इसके बाद हम क्या कहते हैं, इस 45 लीटर जो गैस बचा है इसका भी 1/4 टाइम वो रिमूव करेगा नेक्स्ट टाइम में। तो 1/4 इंटू 45, तो इसका जो आंसर आ जाएगा, आंसर विल बी 11.25 उसका आंसर आ गया। अब 45 माइनस 11.25 जब हम करेंगे तो इसका आंसर आएगा 33.75 अप्रॉक्स। 34 मान सकते हैं लेकिन कैलकुलेशन के लिए हम इसी को मानेंगे क्योंकि यहाँ पर अप्रॉक्स हम नहीं लिख सकते। ठीक, तो अब यहाँ पर अगर हम आपको बताएं कि अगर आप 80 इसमें से इसको माइनस करो तो जो आंसर आएगा वो आएगा 15। ठीक, 15 आएगा। और इसमें से अगर आप 80 को माइनस करो, क्योंकि 80 तो मेरा ए हो जाएगा ना, फर्स्ट टर्म जो होगा वो तो 80 आ जाएगा, सेकंड टर्म जो होगा, जो हमारा सेकंड टर्म होगा वो हो जाएगा हमारा 60, और जो थर्ड टर्म होगा वो हमारा है 45। तो अगर आप इसमें से इसको माइनस करते हैं, इसमें से इसको और इसमें से इसको माइनस करते हो तो जो डिफरेंस आ रहा है वो सेम नहीं आ रहा है। इसमें जो डिफरेंस है ये है 20 लीटर्स का, इसमें जो डिफरेंस है ये है आपका 15 लीटर्स का। तो ये डिफरेंस हर टाइम सेम नहीं आ रहा है, जिसकी वजह से ये एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को फॉर्म नहीं करेगा। ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को फॉर्म नहीं करेगा, जिसकी वजह से हम ये बोल सकते हैं कि ये एपी नहीं है, क्योंकि इसका जो कॉमन डिफरेंस है आप वो देखो, वो सेम नहीं आ रहा है हर एक पॉइंट ऑफ टाइम पे। ठीक, ये इस वजह से ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन नहीं होगा। मैं ऐसा करता हूँ, आपको वीडियो से समझ में आया होगा कि क्या है, कैसे है और क्यों है। ठीक,
अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो यार लाइक करो, शेयर करो और अपने क्लासमेट्स के साथ शेयर करो इसे, और उनसे भी बोलो सब्सक्राइब करें, शेयर सब्सक्राइब लाइक, ठीक। जय माता दी, पढ़ते रहो, मौज करो, बाय बाय।